Good morning, children. How are you? I hope you all are fine. Dear children, today we will do our next pages of GK. Funny Bunny. Bunny fell asleep reading some stories. Some of them got mixed up in his dreams. Help him match the columns correctly. Bunny stories read karte karte so gaya. Unme se kuch story uske dreams mein mix ho gayi. Ab aapko sahi match karke उनकी स्टोरीज को मैच बनाने हैं, जो परफेक्ट स्टोरी है उनके नेम बनाने हैं. गूस, गूस को किससे मैच करेंगे? गोल्डन एक्स. रेड राइडिंग हुड, रेड राइडिंग हुड के पास कौन थी? वुल्फ. रेड राइडिंग हुड, वुल्फ. स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स. सिंड्रेला, टू सिस्टर्स. फॉक्स एंड ग्रेप्स. हंसल एंड ग्रीटल की क्या थी? विच. यहाँ देखो सब, ये सब स्टोरीज मिक्स हो चुकी हैं. जैसे यहाँ पर गूस देखो कहाँ पर आ गई. गूस को जाना था एग के पास और फॉक्स को आना था ग्रेप्स के पास. तो देखो ये सब आपस में क्या हो गई? मैच हो गई. तो हमने यहाँ पर मैचिंग करके इनके सही नेम बनाए. फर्स्ट एक बार दोबारा से करेंगे. लेट्स डू वंस अगेन. गूस, गोल्डन एग्स. रेड राइडिंग हुड, वुल्फ. स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स. सिंड्रेला एंड टू सिस्टर्स. फॉक्स एंड ग्रेव्स. हंसल एंड ग्रीटल एंड विच. हंसल एंड ग्रीटल एंड विच. क्लियर? Let's do next page. In the sky, tick the correct sentences. The moon goes around the earth. Moon earth के चारों ओर चक्कर लगाता है. Yes, it is true. Moon जो है earth के चारों ओर चक्कर लगाता है. So we will put here tick mark. We see changes in the shape of the moon every 15 days. हम हर 15 डेज बाद मून की शेप को चेंज होते देखते हैं? नो, मून की शेप हमेशा 29 एंड हाफ डे में चेंज होती है. तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस. द सन इज नॉट अ स्टार. नो, इट इज रॉन्ग. सन इज अ बिगेस्ट स्टार. सन इज अ बिगेस्ट स्टार. और यहाँ पर बोला कि सन इज नॉट अ स्टार, तो ये क्या हुआ? रॉन्ग. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन हमें हीट और लाइट देता है? यस. टिक. हम कहते हैं ना कि सन से ही हमें हीट भी मिलती है, लाइट, क्योंकि जब मॉर्निंग में सन आता है तभी लाइट होती है ना, तभी कितनी हमें लाइट जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. तो सन हमें लाइट भी देता है और हीट, कितनी गर्मी होती है जब सन आता है. द मून इज बिगर देन द सन. मून क्या सन से बड़ा है? नो, सन इज द बिगेस्ट स्टार. तो मून इज शॉर्टर देन सन. द अर्थ डजंट हैव अ लाइट ऑफ इट्स ओन. अर्थ की अपनी लाइट नहीं होती. यस, अर्थ की अपनी लाइट नहीं होती. वो कहाँ से लाइट लेता है? सन से. तो ये भी क्या होगा? टिक. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ. यस, इट इज ट्रू. अर्थ ही एक ऐसा है जहाँ पर वॉटर भी है और लैंड भी है, तो हमारे यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ होती है. तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? टिक. ऑल द स्टार्स आर नियर अस. क्या सभी स्टार्स हमारे पास हैं? नो, ऑल द स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस. वो सभी हमसे बहुत दूर है. वो हमें दिखते हैं कि हमारे पास हैं, लेकिन वो सभी बहुत ज्यादा दूर है. दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. तो वी विल पुट क्रॉस. लेट्स डू वंस अगेन. द मून गोज अराउंड द अर्थ. मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है. यस, टिक. वी सी चेंजेस इन द शेप ऑफ मून एवरी 15 डेज. हम मून में हर 15 डेज के बाद चेंजेस देखते हैं. नो, क्रॉस. द सन इज नॉट अ स्टार. सन स्टार नहीं है. क्रॉस. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. टिक. द मून इज बिगर देन द सन. मून सन से बिग है. नो, क्रॉस. द अर्थ डजंट हैव अ लाइट ऑफ इट्स ओन. अर्थ की क्या अपनी लाइट नहीं होती? यस, टिक. क्योंकि अर्थ सन से लाइट लेता है. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज लाइफ. अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ होती है? यस, टिक.
All the stars are near us. सभी स्टार्स हमारे पास है? No, close. They are very far from us. So, dear children, now you have to do page number 12 and 13 in your book and learn also. Bye-bye. Thank you.